आइए दोस्तों एक और ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं। अपनी फॉर्च्यूनर को गैराज से बाहर निकालते हैं और दिल्ली के शानदार रास्तों को पार करना चालू करते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, डीजल भरवा लेते हैं। 2000 का पहले से ही गाड़ी में है तो चलो 2500 का और भरवा लेते हैं, इससे अपना पूरा 500 किलोमीटर का ट्रिप निपट जाएगा। मगर ये तो कमाल की बात है कि इतने लाजवाब अंडरपास गुड़गांव में बना रखे हैं। उसके बाद में सारे रास्तों को पार करते हुए आखिरकार हम पहुंचे दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे। क्या लाजवाब साइन बोर्ड है। रास्ते में हमने सोचा क्यों नहीं रुकते हैं, नीचे रेलवे ट्रैक को भी देखते हैं और साथ साथ में इतने लहराते हुए खेत देख के तो भाई दिल बहुत खुश हो गया। मगर सामने टोल टैक्स पे भी नजर घुमाते हैं, वो रहा टोल टैक्स। आज की जर्नी का अपना पहला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स हम पार करने वाले हैं। मगर रास्ते में भैया इतनी भयंकर विंड चल रही है, मेरे पास देखो कितनी भयंकर तरीके से उड़ रहे। तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो दोस्तों आप लोगों ने देखी ली होगी भाई, हम लोग गए थे रसम पगड़ी पे बामडोली की साइड पे जो कि द्वारका में द्वारका के आसपास ही कहीं पर स्थित है। तो उसके बाद में गाड़ी आके तो फेस मैंने अंदर ही करके खड़ा कर दिया था, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो एस्ट्रोलॉजर कम न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बोला कि आप जो है ना इसका फेस दूसरी डायरेक्शन में ही करके खड़ा करा करो, क्योंकि ज़्यादातर ना पंच आपकी ज़्यादा बाहर निकलती है, क्योंकि वो दिल्ली के लिए रहती है तो और ये हाईवे के लिए रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ना हाईवे के काफ़ी ट्रिप्स होंगे अगर आप इसका फेस जो है फेस अंदर गैराज की तरफ ही करके खड़ा करोगे। मैं ठीक है चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ही सेकेंड डे ही जो है गाड़ी दोबारा निकल गई है, आज भी वापस आकर इसका फेस में अंदर की तरफ करके ही खड़ा करूंगा, और ताकि फ्राइडे सैटरडे संडे जो अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज होने वाला है, देखो मुझे पता नहीं है इस टाइम पे कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना है, बट हाँ कहीं ना कहीं कोई बढ़िया डेस्टिनेशन तो हम ढूंढ ही लेंगे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ये जो अपना क्या कहते हैं इसको जेसीबी को 3 से 4 दिन हो गए यहीं पर ही खड़ी हुई है, समझ नहीं आता भाई क्या। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये जो साइडों में टूटा हुआ है, ये कम से कम 1.5 साल हो गया है, और सरकार की हरकतें देख लो, ये पूरा रोड 1.5 साल हो गया, बताओ आज तक कोई इसको रिपेयर करने नहीं आया, ठीक करने नहीं आया। चलो छोड़ो, हम तो कैसे भी ले लेते हैं, मगर ये जो रिक्शा वाले और जो ऑटो वाले हैं ना, ये लोग इस पे ज़्यादा नहीं चलाते हैं। लो जी आखिरकार भाई निकल ही गए, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 11:30 बज गए। कोई बात नहीं, अपना टारगेट यही है कि बस 5 बजे से पहले जो है ना बालाजी महाराज के दर्शन मिल जाएं, क्योंकि 5 से 7 बजे तक MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ना मंदिर को क्लोज कर दिया जाता है। प्रभु की सारी मतलब श्रृंगार वगैरह होता है, क्लीनिंग होती है, छप्पन भोग लगते हैं और उनकी जो है वहाँ पे चोला चढ़ता है अच्छे से। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अगर आप लोग आ रहे हैं तो भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अब मैं करने को तो यार 7 बजे के बाद भी दर्शन कर सकता था, क्योंकि अब वो मंदिर खुलेगा 4 बजे से 7 बजे के बाद बंद होने के, तो प्रॉब्लम ये पड़ती है कि 7 बजे के बाद ना वो लोग जो भी आप प्रसाद लेके जाओगे ना उसका भोग नहीं लगाएंगे, वो लोग छप्पन भोग को डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, तो ये चीज़ जो है ना बड़ी ध्यान रखने वाली होती है। तो अगर आप लोग कभी भी वहाँ पर जाएँ तो भाई इस हिसाब से जाओ, बाकी TTS में जाओगे या संडे को जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और संडे को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, फुल डे मंदिर ओपन रहता है, जमर जी आप जाओ भोग लगाया जाएगा सब चीज़ होगी, बस 6 से 7 ही जो आरती का टाइम होता है, सर्दियों और गर्मियों में थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर डीजल की मैं बात करूँ तो ठीक है, टंकी आधी तो है क्योंकि कल 2000 का मैंने डलवाया था, तो अभी एक काम करते हैं 2500 का और डलवा लेते हैं, तो आना जाना भी हो जाएगा और उसके बाद में बच भी जाएगा डीजल, क्योंकि इसमें है मतलब 2000 का के बाद में भी कल चली थी 3 घंटे गाड़ी चली थी। देखो डिस्टेंस तो मुझे नहीं पता कि अंदाजन कितना गाड़ी ने ट्रैवल करा था, बट ठीक है कोई नहीं, बामडोली का देख लो ना यार कितना होता है, 1 घंटा ट्रैवल का टाइम था, कितनी चली कितनी नहीं चली ये मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। चलो अब पहले तो डीजल जो है ना अपने पास में ही पेट्रोल पंप है उसे डीजल भरवा के फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी यहाँ पे भैया को बोल दिया है 2500 का डीजल भरने के लिए, यहाँ पे नौकर लगा दिया है, चलो अपना डीजल भरवाते हैं और फिर पेमेंट करते हैं आगे चलते हैं। ओ कभी शाम ढले तो दिल में आ जाना।
यहाँ पर घर से भाई खाना वाना तो हम ले आए थे, गैया रानी का, यहाँ पे ढेर सारी गाय हैं, यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत कुछ खिला के और फिर आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। जाओ वहाँ पे खा लो, वहाँ पे दे दिया, वहाँ पे खा लो, अब यहाँ पे नहीं है। ओके बाय 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 बाय। चलो जी, गैया रानी को बाय करके अब अपना आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। बंद कर यार 2 मिनट इसको भी यार, ऐसा है ना दिल्ली में इस टाइम पे पता नहीं क्या है, क्या मौसम चल रहा है, इतनी ज्यादा हवा चल रही है ना यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा हवा चल रही है। डीजल भराने के लिए उतरा था, एकदम इतनी भयंकर आंधी कह सकते हो उसको, पूरे के पूरे बाल वगैरह फुल हिल गए भाई। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। अब तो रास्ते में देखो एसी चला लिया है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इस धूप को गाड़ी के कैबिन में गर्म करने के लिए, क्योंकि अगर गर्म करेगी तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, एकदम गर्मी लगेगी तो फिर आपको नींद आएगी, नींद क्योंकि कोजी एटमॉस्फेयर जैसे ही हो जाता है ना तो नींद आती आती है, जबकि जो एसी का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको आप एक तरीके से कोजी एटमॉस्फेयर नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तब तक तो आप बिल्कुल भी नहीं सोओगे, मगर जब आपकी बॉडी अगर पीछे बैठोगे आप आराम से तब आपको नींद आएगी, मगर हाँ ड्राइवर सीट पे आपको नींद नहीं आएगी जनरली, अगर आपको ज़्यादा थकान वकान नहीं हो रही तो भी हो जाता है बहुत आराम से, एसी में कोई दिक्कत नहीं है, बट हीटिंग में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। बस अब यही है कि इसका ऑटोमेटिक एसी चला रखा है ना, तो इतनी ज़्यादा मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ना गले में हवा इसकी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मैनुअल एसी होता है ना, अगर आप एक पॉइंट पे भी लगाओ ना, उसकी जो एयर की चिलनेस की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा ही रहती है। अब वो क्या है, वो गले में हवा लग जाती है, और ये चेंजिंग सीजन है, चेंजिंग सीजन में एकदम से एकदम गला खराब पकड़ता है भैया, बहुत मुश्किल हो जाती है। चलो अब गाड़ी फटाफट आगे निकालते हैं। ये हमारा जो सबसे पहली गाड़ी थी जो मैंने ली थी वो इटियोस, ये गाड़ी है भाई, इसको आगे क्रॉस करके फिर आगे चलते हैं। और मैंने यही वाला रास्ता इसलिए चुना, मैंने कहा यार रिंग रोड पे जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से भी जो है ना जाम ही मिलना है, तो ये वाला रास्ता ले लो। देखो साफ़ सुथरा रास्ता है, अगर जाम मिलेगा तो कहीं गुड़गांव की साइड में, महिपालपुर की साइड में मिलेगा, वैसे तो मेरे ख्याल से ठीक मिलना चाहिए। GPS में दिखा रहा था 4 घंटे के आसपास, अगर 4 घंटे भी मैं मान के चलूँ खाने के साथ में, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं, देखते हैं क्या जिस हिसाब से भूख लगती है तब देखेंगे। ओके बाय बाय मॉन्कीज। देखो जी इसी वॉल के पीछे जो है ना काफी अंदर की साइड में मॉन्कीज हैं, वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता सफर तय करने के बाद में वो मिलते, और 15-20 मिनट बाहर का सफर, तो भाई आज मैं सॉरी मांगता हूँ मॉन्कीज से भाई, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पक्का आने वाला था, वो तो कुछ एक काम ऐसा अटक गया जिसमें मेरा 1 से 1.25 घंटा लग गया, जिसके कारण भाई मैं लेट हो गया आज निकलने में। चलो कोई नहीं, आज बालाजी महाराज के दर्शन बस टाइम से मिल जाए और बहुत बढ़िया दर्शन मिल जाए, बोलो जय बालाजी महाराज। टिप टिप बरसा भरे भाई गाड़ी में तो चल रहा है, और मौसम भी देख के ऐसे ही लग रहा था जैसे कि टिप टिप भैया बरसात होने वाली है। अब पता नहीं बरसात होगी कि नहीं होगी, हम तो दिल्ली छोड़ के बस अभी निकलने वाले हैं, दिल्ली छोड़ के नहीं, थोड़ी देर के लिए दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं, रात तक हम वापिस आ जाएंगे। किसी भी टाइम पे निकल लो यहाँ पे गुड़गांव के, मतलब धोलकुआं पार करते जो है ना जाम तो भाई मिलना लाजमी है, और आज वैसे भी वीकडे का टाइम है, पता नहीं यार ऑफिस टाइम वगैरह तो खत्म हो चुका है इसलिए हो सकता है थोड़ा कम जाम। यहाँ पे कोई अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है भाई, फ्लाईओवर वगैरह की, किस चीज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाँ तो फ्लाईओवर ही। चलो इन्हीं सब चीजों के कारण इतना भयंकर अभी तक जाम लगा हुआ था, अब तो जाम ये खुला हुआ लग रहा है भाई, और दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा हो इसमें अगर कैमरा कैच कर रहा हो ना तो आंधी हल्की सी आपको दिखाई देगी, पता चलेगा। बारिश वगैरह का तो मौसम थोड़ा सा कम हो गया है, आज थोड़ा क्लाउडी ही रहेगा, बीच बीच में हल्की हल्की धूप निकलती रहेगी और आंधी तो चल रही है, अब देखते हैं राजस्थान में कैसा मौसम है,
क्योंकि नेचुरल सी बात है हर स्टेट का मौसम अलग अलग होता है, हर एक स्टेट का सेम नहीं रहता भाई। बहुत बार राजस्थान में बारिश हो रही होती है, यहाँ पे दिल्ली में सूखा पड़ा होता है, वैसे ही उल्टा भी हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बारिश आ रही हो और राजस्थान में सूखा पड़ा हो, वैसे ही हर स्टेट का डिपेंड करता है जो भी मौसम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट गाने सुनते हैं, मौज करते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। अरे एक कैमरा और आ गया, स्लो कर लो थोड़ी गाड़ी, गाड़ी तो स्लो ही है, 50 से नीचे ही है। लो जी हम सिर्फ एक घंटे के अंदर सोना रोड वाले रोड पे हम एंट्री ले चुके हैं। जिस टाइम पे मैं घर से निकला था उस टाइम पे मैंने आपको टाइम दिखाया था, 11:27 हो रहे थे, तरफ 12:36 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक घंटा ही मान के चलो, एक घंटे के अंदर हम यहाँ पे पहुंच गए। जबकि जाम इतना ज्यादा भयंकर मिला था, इसका मतलब ये है कि भाई अगर वो जाम नहीं होता ना तो हम यहाँ पे कम से कम 15 मिनट पहले और पहुंच जाते। चलो कोई बात नहीं, जो भी लगा कोई दिक्कत नहीं है, जैसी प्रभु की इच्छा। अब बस जो है अपने को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एंटर करना। बाकी एक बात मैं बताना आपको भूल गया, उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया था। सामने ना जब हम गुड़गांव में एंटर कर रहे थे तो एक वीआईपी का कारवां जा रहा था, उसमें एक तो पुलिस की वैन थी, आगे जीप महिंद्रा बोलेरो, वो बोलेरो कह रहा हूँ मैं, स्कॉर्पियो ही थी, और उसके पीछे एक वीआईपी की कार थी। तो मैंने क्या करा, उन्हीं के पीछे गाड़ी लगा ली, फटाफट सॉरी जो ट्रैफिक से ना फटाफट गाड़ी निकल गई भाई बड़ी स्पीड से, पीछे मेरे एक मर्सिडीज वाले ने भी लगा दी थी बट वो कैचअप नहीं कर पाया था, वो पीछे रह गए थे। तो भाई अब जो है इसलिए हमारा कम से कम उससे 10 मिनट का टाइम और बच गया था, गैप थोड़ा मेंटेन करके चले थे, बट जैसी कार्स को हटा वटा के फटाफट आके आगे ले रहे थे, मैं भी फटाफट लेता चला गया। चलो अब एंटर करते हैं, यहाँ से मात्र मेरे ख्याल से 10 या 11 किलोमीटर रह गया होगा एक्सप्रेस वे, चढ़ते हैं और फिर वहाँ पे दिखाते हैं आपको वहाँ के शानदार नज़ारे। आज की जर्नी के भाई पहला जो स्पीड कैमरेज है मतलब दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के वो आ चुके हैं। ये देखिए अपनी स्पीड देख लो 90 के आसपास है और ये भी जो है 86 दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक है क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर प्रति आवर की जो वेरिएशन होती है वो इन स्पीड कैमरेज में होती है। स्पीड कैमरेज में हमेशा 2 से 3 पॉइंट कम ही दिखाएगा, अगर आपका 90 पे होगा, देखो 90 पे थी उसने 86 दिखाया, मतलब 4 पॉइंट कम दिखाया है, इसी तरीके से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतने शानदार हाईवे ये बना रखा भाई, इस पे जितनी मर्जी तेज चला लो ना गाड़ी, तेज नहीं मतलब स्लो लगती है वो, तेज गाड़ी को चलता हुआ ऐसा लगता है जैसे कि बैलगाड़ी रेंग रही है। तो थोड़ी सी ना स्पीड लिमिट तो वैसे इनको बढ़ानी चाहिए, बट हाँ ठीक है अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए भाई, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्पीड लिमिट इतनी ठीक है 120 की, क्योंकि बीच बीच में कभी कभार ऊपर स्पीड पहुंच जाती है, फिर उसके बाद में हम नीचे कम कर लेते हैं स्पीड को, ज्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बाकी मैं तो भाई देखो जितना भी ज्यादा हाईवे की जो स्पीड का जो एक लव है वो तो मेरा पूरा हो जाता है यहाँ पे, मैं तो मस्त आराम से दिल्ली में जब गाड़ी चलाता हूँ ना तो दिल्ली में भाई आराम से हौले हौले गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को स्पीड पे गाड़ी चलाना दिल्ली में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग ना दिल्ली में बहुत ज्यादा तेज चलाते हैं जिसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, तो भाई ये चीजें नहीं करनी चाहिए, दिल्ली में आराम से चलाओ क्योंकि वहां बहुत कंजेस्टेड है। स्पीड की अगर आपको लव या कह सकते हो तड़प एक स्पीड की जो होती है ना गाड़ी चलाने की वो पूरी करनी है भाई, ऐसे ऐसे हाईवे पे आओ ना, और वो भी कोहरा या बारिश के टाइम पे नहीं, ऐसे टाइम पे जैसे कि सनलाइट है आराम से कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे सेफ टाइम पे आओ और खूब तेज चलाओ और अपना प्यार व्यार पूरा करो यहाँ पे आराम से स्पीड के प्रति। चलो अब आगे चलते रहते हैं। भाई देखो अपना टोल प्लाजा तो जो है वो है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, बट अब ये वाला एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये इस पॉइंट पे रोकते हैं 2 मिनट गाड़ी और आसपास के नजारों का जरा मजा लेते हैं। यहाँ पे जो आपका टोल तो 2 किलोमीटर आगे है, 2 किलोमीटर आगे से पहले ही मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दी। आप नीचे देखो वहाँ पे भाई साहब बहुत ही ज्यादा ना
विंड चल रही है बहुत फास्ट। देखो जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तब मुझे पता चलेगा कि विंड नॉइज कितनी कैच हो रही है कितनी नहीं हो रही है। अगर थोड़ी बहुत आ रही हो तो भाई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नीचे देखो यहाँ पे बहुत ही तरीके से ना क्या बढ़िया लग रहा है यार, इतना सुंदर लग रहा है। इतना ध्यान से मैंने कभी ऐसा देखो रेलवे का ट्रैक मैंने ध्यान से देखा नहीं था। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ से ना टोल दिखाता हूँ, आपको छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम मार लेते हैं, जूम कर लेते हैं, मतलब फोर आवर्स टोल। और ये देखो दिखाना है अपने तो चलो आओ, किस बात के लिए भाई देरी करते हो। ये भाई कैमरा को ना पैर हिला रहा, जो फिट इतनी भयंकर चल रही है ना, ये वो फिट ही हिलाई जा रही है। आपको ना मेरे बालों से पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे फिट चल रही है। दिल्ली में तो चल ही रही थी, अभी क्या दिल्ली का असर तो आसपास के इलाकों में रहता ही है। बहुत ज़्यादा वेट चल रही है, देखो कितने ज़्यादा, बताओ मेरे को इसमें पता चल रहा है कितनी ज़्यादा वेट चल रही है। तो मैं नहीं कैमरे को हिला रहा था, वेट ही हिला जा रही थी, हिलाई जा रही थी कैमरे को। तो चलो आओ आगे चलते हैं और फिर अपना सबसे पहला टोल पार करते हैं। टाइम क्या हो रहा है घड़ी में, घड़ी में टाइम हो रहा भाई तकरीबन 1 बज रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो है मैं कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए भाई, हम पहुंच जाएंगे आगे अगर 1 बजे भी मान के चले तो 2-3 घंटे होना चाहिए, पहुंच जाएंगे आराम से ना, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यानी कि 1 बज रहा है तो 3:15 बजे तक आप मैक्सिमम मान के चलो हम पहुंच जाएंगे। अब आगे का सफ़र हम कंटिन्यू करते हैं।